सही कहा तारा भाई। अरे ये तरुण गई का बोले? कुछ ना, हम तो ईश्वर के कहत रही है। तू कुछ तो बोलत रहले। तू बोले कि एकदम तैयार हो गल बड़ी, बिल्कुल खाए लायक। ते हम की खाइबे? इतना दम्बा कमर में ससुरा ज्यादा गर्मी चढ़ गल बा। और तू लोग भी सुन ले, हम उ लई की ना हई जे नजर झुका के चलो। वो भी तोहनी जैसन लफंगा लोगन की वजह से। होली के मतलब का होला? बदतमीजी, गाली गलौच, हमके कोनो दिक्कत नहीं है। तू खा पिया, लेकिन आइंदा से जे भी कमेंट करी तो धर के हई थुथुन फोड़ दे कुकुर कहीं का। हट। योर ऑनर, भागवत प्रसाद वल्द मुरली प्रसाद अपने छोटे भाई श्री मनोहर प्रसाद के बिना बताए 6 महीने पहले उनके हिस्से की जमीन बेच दिए। भागवत प्रसाद अपने भाई के साथ धोखाधड़ी किए, जो कि 420 का केस है। जमीन के कागजात व अन्य बंसावली समेत सारा डॉक्यूमेंट्स हम न्यायालय के सामने पेश कर दिए। हमारी अदालत से दरख्वास्त है कि हमारे क्लाइंट के साथ न्याय किया जाए। डिफेंस के वकील को कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। योर ऑनर, मेरे काबिल दोस्त इस केस को जितना आसान समझ रहे हैं, ये उतना आसान है नहीं। भागवत प्रसाद, जिन्होंने अपने भाई मनोहर प्रसाद को काबिल इंसान बनाया, सब कुछ उनके लिए किया, लेकिन जब इनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई और उनके इलाज के लिए इन्हें पैसों की जरूरत पड़ी, ये अपने छोटे भाई मनोहर प्रसाद के पास गए। मनोहर प्रसाद ने इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इन्होंने अपनी कुछ जमीन बेच दी। पत्नी का इलाज जरूरी था, लेकिन अफसोस उसके बावजूद ही अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। लेकिन जब यह बात मनोहर प्रसाद को पता चली, वो आग बबूला हो गए। उन्होंने पूरे गांव के सामने मेरे मुवक्किल भागवत प्रसाद की बेइज्जती की, और ऑनर जलील किया अपने बड़े भाई को, और अपना हिस्सा मांगने लगे। बंटवारे की बात की जो शायद भागवत प्रसाद को मंजूर नहीं थी। मिलॉर्ड, इनकी जीविका का एकमात्र साधन वो जमीन है, उसी से इनका पालन पोषण होता है, ये खेती पर ही निर्भर है। तो अगर इनकी जमीन बट गई मिलॉर्ड, तो मेरे मुवक्किल भूखों मर जाएंगे। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। भागवत जी, वकील साहब जो कह रहे हैं क्या वो सच है? माई बाप, वकील साहब जवन कुछ कहला बिल्कुल सही कहला। इनके फीस देवे खातिर भी हमरे पास फूटी कौड़ी भी ना रहे। हमार आप बीती सुन के वकील साहब ये केस के लड़े खातिर के तैयार हो गई है बिना फीस के। माई बाप, अब आप ही न्याय करी। भागवत प्रसाद के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन बिना मनोहर प्रसाद के अनुमति के उन्होंने जमीन बेचने का जुर्म किया है, इसलिए अदालत दफा 420 के तहत भागवत प्रसाद को 4 महीने की सजा सुनाती है। संभाल के भागवत जी, भागवत जी, भागवत जी, संभालिए अपने आप, भैया संभालिए, भागवत जी, भागवत जी, भैया भैया, अरे कोई भाई हो या मत करना। जब तक भाई जिंदा था तब तो दया नहीं आई तुम्हें, और आज अदालत के सामने इमोशनल ड्रामा कर रहे हो, सिंपैथी लेना चाहते हो? कुछ नहीं,
इसमें भी जरूर तुम्हारा कोई लालच होगा। भैया मिलोर्ड, ये केस तो खत्म हो गया और मेरे मुवक्किल को न्याय नहीं मिला, लेकिन बंटवारे की समस्या अभी भी वहीं की वहीं है। बंटवारे की आड़ में रिश्तों का और दिलो दिमाग का बंटवारा पहले ही हो जाता है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि यह बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा। बंटवारे में न्याय की नहीं, एक संशोधन की जरूरत है, क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है मिलॉर्ड। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में हमारे संविधान में संशोधन होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही होता रहेगा रिश्तों का बंटवारा। ए शिल्पा की माई। हाँ आ गई ला लोग। ना भाभी लगा था कि ट्रेन लेट हो गई बा। चलो कोनो बात ना, हाई देखी समोसा बनी लही आप लोगन खातिर। ठीक है फिर हम आए। ठीक बा भाभी। अरे अब तक तो ट्रेन स्टेशन आ गई हुई, पता नहीं जितेंद्रा पहुंचल की ना। आराम से उतरिया। अरे पार्वती। हाँ आ गए लन सब, आओ जल्दी बाहर आओ। हाँ आओ आओ आओ। अरे भैया खुश रहा खुश रहा खुश रहा। गोर लगा था नहीं खुश रहा खुश रहा खुश रहा। और भैया गोर लगा था नहीं चाचा जी, खुश गोर लगा था नहीं दीदी, खुश रहा। अरे कृष्णा। अब भैया सामान उतारा। अच्छा तू सब लोग खाकर लाई लो बा, चलो लो हाथ मुंह धोवा हम खाना निकाल तन। चलो चलो चलो। हेलो। और कितना देर हजूर के इंतजार करे के पड़ी। अरे अब एक कहू मिनट ना, हम यहाँ से निकला तानी तू निकला। ठीक बा। रश्मि पापा के पूरी दे दो। हाँ माई। पापा पूरी रहे दो बेटा, बहुत ज्यादा खा ले बानी पेट भर गई बा। ला 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 ला। ए सुमन कहाँ जाते रहो, टोकल जरूरी रहे। जब माँ बनबू ना तब समझ में आई का जरूरी बा काहे के जरूरी बा। जरूरी काम से जाते नहीं, जल्दी वापस आ जाए। बाय। हमरा के पता बा तोके कौन जरूरी काम बा। चुप रहा, ज्यादा स्मार्ट बने की कोशिश मत करा। एमे स्मार्ट का बने के बा पापा, रहुए बताई हम स्मार्ट बानी की दीदी। पापा के नजर में तो दोनों स्मार्ट बाड़ू। दीदी बड़ी है ऐसे सबसे पहले उस स्मार्ट बाड़ी। हमारे प्यारे पापा हम जल्दी से आवते हैं। ठीक बजा। देखो देखो भाई का गजब के लड़की आवती है भाई। ए भाई कल लड़की भी अरे देख के दिल मस्त हो गई बा, का विचार बा। सही कहा तारा भाई। अरे तरुण गई अरे का बोले। कुछ ना हम तो ईश्वर के कहत रही है। तू कुछ तो बोलत रहले, तू बोल ले कि एकदम तैयार हो गल बड़ी बिल्कुल खाए लायक। ते हम की खाइबे इतना दम्बा कमर में।
ससुरा ज्यादा घर में चढ़ गल बा। और तू लोग भी सुन ले, हम उन लई की ना हुई जे नजर झुका के चलो, वो भी तोहनी जैसन लफंगा लोगन की वजह से। होली के मतलब का होला बदतमीजी, गाली गलौच, हमके कोनो दिक्कत नहीं है, तू खा पिया, लेकिन आइंदा से जे भी कमेंट करी तो धर के है थुथुन फोड़ दे कुकुर कहीं का। हट। अरे बाप रे, सॉरी शोना। का सॉरी, हम कब से इंतजार कर रहे थे और तू अभी आवत है। तो के पता बा हम कितना मुश्किल से आयल बनी। अच्छा कोनो बात ना, हम तोरा खातिर कुछ ले आयल बनी। का ना जी तो ना, प्लीज प्लीज ना। होली हा हम तोहरा से परेशान हो गई बनी, भगवान करे तोहार बियाह हो जाओ। का भइल माई? लड़का लोग लड़की के देख के उल्टा पलटा बात करे ले, कोनो नया बात नहीं खे। तू जे कैलू हा वो ठीक नहीं खे। बस यही बात से, यह बात घर के लोग लड़की के कमजोर और मजबूर बना देवेला। लड़का के तो हर तरफ से सपोर्ट मिलेला, तो फिर लड़की के काहे ना मिलेला? हर बात पे लड़की के रोक टोक लगेला, ये मत करा वो मत करा, यहाँ मत जा वहाँ मत जा। आखिर लड़का लड़की में अंतर कौन बात के बा? ये अंतर बा, लास्ट शर्म लड़की के जेवर होला और गुंडागर्दी लड़कन के शान। हम ना माने ले सब, लड़की लड़का से कहीं से भी कम नहीं खे। हम ओकरा के बहुत कम मरनी है, होली रहल यही से छोड़ देनी, दोबारा हमके मिले ना तो इतना मारब कि मारत मारत हॉस्पिटल तक ले जाए। हम केहू से डरे वाला नहीं छी। वाह वाह बेटी, बहुत बढ़िया। आज तहारी बात सुन के हमार टेंशन कम हो गई। हमरा हमेशा लागत रहे कि सुमन और सुरभि के कोनो भाई नहीं है। लड़की बाड़ी कोनो मुसीबत आई तो अपन रक्षा कैसे करी है, लेकिन आज विश्वास हो गई कि हमार सुमन बेटा से बढ़ के बाड़ी। जब गांव के लोग बतौलस कि हमार सुमन उ लखेरा के मारत मारत सबक सिखा दहली, तो हमरा के बहुत खुशी भई, लागल कि बेटी बेटा से कम नहीं खे। हाँ हाँ, बढ़ावत रही बेटी के मन, ऐसे ही पूरा जवार में नाम हो जाई तब बेटी के शादी खातिर जूता घसीटत रहम। का सोचत रह लोग, गरम गरम बा खा ला लोग ना तो सेरा जाई। जीतू, ग्रेजुएशन पूरा होखे वाला बा, आगे की तैयारी के बारे में सोचला? मास्टर की डिग्री लेबा या फिर कंपटीशन की तैयारी? अब ही कुछ सोच लेने की कहे सोचो खतरा कोनो मुहूर्त निकाल पड़ी का। भैया जगर दूधू को भाई शहर में लाखों कमाता, ओके कोनो बात की चिंता। अभी परीक्षा दिलवानी ना, अब जब ले रिजल्ट आवता तब ले मजा करे दलो। तू ऐजा मजा के बारे में सोचता रहो, अब भैया तेरा भविष्य के लेके कितना चिंता करे, तेरा तेरा कुछ पता बा? का भइल भैया के? अभी तो कुछ भइल नहीं के, लेकिन तू अपन जिम्मेदारी ना समझ बा ना तो उनके शुगर और ब्लड प्रेशर जरूर हो जाई। कहे से कि भैया तोरा नौकरी के लेके बहुत चिंतित रह लेन। हाँ, हमरा के जितेंद्रा के नौकरी के लेके चिंता बा, पर हमरा के अपने भाई पे पूरा भरोसा बा। ई भी एक दिन तू लोग जैसन समाज में हमार सर गर्व से ऊंचा करी। जौना दिन एकर नौकरी लागी ना, बाबूजी के सपना पूरा हो जाए। कहो भाई, अल्लाह यही बात पखा ला। लावा छोटे चाचू, तारा के मम्मी बुला रहल बाड़ी। अच्छा भाई, हम आवतन आवतन भैया, चल चला। देखिए ग्रेजुएशन अगर पूरा हो गई बा
लेकिन अबहिन भी अपने आप के बच्चा ही समझेला। हमरा तो यह ना समझ में आवेला कि अपन जिम्मेदारी कब समझी। भैया आपके लाड प्यार ना एकरा के बिगाड़ के रख दे लेबा। प्यार आदमी के बिगाड़े ला ना, प्यार और दुलार में बिगड़ल आदमी भी संवर जाला। तू लोग देखिया एक दिन ई भी तू लोगन जैसे बढ़िया नौकरी पकड़ी। ठीक बा अभी छोटा एक हाथे लाड लड़ावत बा, लेकिन हम जानीला हमार भाई बहुत होनहार और जिम्मेदार बा। भैया एबेरी होली में गांव में आके बड़ा मजा आई। अगर सरकारी नौकरी के मजबूरी ना रही तू तो दो तीन दिन और ही रहती। कहो भैया बिल्कुल सही कोनो बात नहीं। तू लोग त्योहार पे आ गए ला बहुत अच्छा लागल। ऐसे त्योहारे तुहारे आ जाल करा तू लोग। जरूर भैया जरूर। चला ये सामान उठावा और गाड़ी में रख दे। अच्छा ए कृष्णा भैया आई पकड़ सामान पकड़ सामान उठा के गाड़ी में रख। हम भौजाई को उठा के गाड़ी में रखा था। आवा भैया। हां आ गए ला। हां और अब आप आराम करा और इधर अब खेती हम करब। का का मतलब तुहार? अरे भैया आज ले बहुत खेती कर लेनी, अब रुआ आराम करी और हम के खेती करे। नहीं तो के खेती नहीं नौकरी करे के बा। कहे कि हम महेंद्र हमके बुझाता कि हमारा अंतिम समय आ गई बा। आज हम तोरा से एगो खास बात करल चाहतनी बेटा। बोले न बाबूजी कहीं का बात बा? बेटा महेंद्र हर बाप के जवाब देही होला मरला से पहले वो अपन बच्चन के अपन पांव पे खड़ा होके के हुनर सिखा दे। लेकिन ई जवाब देही हम ना निभा सकनी बेटा। यही से आज ही जवाब देही के जिम्मेदारी तोहरा कंधा पे सौंप के जात है। आज एगो वचन अपना बाप के दे दा बेटा, हमरे पे बड़ा उपकार होत। आप तीनों भाइयन के खूब पढ़िया लिखिया, शहर भेज करके अच्छा नौकरी दिलैया, ये हमके वचन दा बेटा, वचन दा बेटा। हम वचन देते बाबूजी, वचन देते। भैया कहाँ घूमोगेला? देखा जितेंद्र तोहर दोनों भाइयन की नौकरी लाग गेल बा, अब तोहार भी नौकरी लाग जाई तो बाबूजी की दियल हमार वचन पूरा हो जाई। अरे वचन राउर पूरा हो गेल बा भैया, रउआ हमरा के लायक बना देले बानी कि हम आज चाहे तो आज नौकरी कर ले। हम चाहत हैं कि हम खेती करी। नहीं तो क्या खेती? नहीं खेती में कुछ नहीं रखल बा, ये घाटा के सौदा बा। किसान कितना भी मेहनत क्या है न कर ले, दो जून की रोटी से ज्यादा न कमा सकेला। एक खातिर कहत बानी तू अपन दोनों भाइयों जैसा नौकरी करा और अपन भविष्य उज्जवल बनावा। भैया तनी एक बात गौर से सोचा, नौकरी बा कितना? 1000 वैकेंसी निकलेला तो 2.5 करोड़ लोग परीक्षा देवे बैठेला, और ये खाना बदोस के जिंदगी हमके नहीं खेजिएगी। आज यहाँ कल वहां ना भैया, हम का चाहता नहीं, हमन का पुरखन का जो जमीन बा यही के हम फायदे के बिजनेस बनाए और हमनी के सब लोग साथे मिलकर रह जाए। चाहता हूं यही बानी कि हमारे सब भाई यही जा एक घर में रहे, पर बेटा हम किसानन के ऐसा किस्मत कहां बा? भैया किस्मत के वो और ना बदली, अपन किस्मत हमनिया के बदले के पड़ी। कैसे? अरे चिंता मत करा, आवा आवा चला पहले खाना। जय भोलेनाथ। जाना तारू
कि 300 साल पुराना शिवजी के मंदिर है। अरे कुछ दिन पहले तक तो एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहे, लेकिन प्रधान जी के देन है, देखा आज कितना बढ़िया बन गई बाकुल। अच्छा फिर मिले के, चलो बाय। का बाय? चलो शहर घूम के आई। अच्छा शहर घूमे के मन बा, ठीक बा, चल अब पीछे सरका। काहे पीछे बैठे में लाज लगता? अरे वो बात नहीं खे, मतलब लोग का कहे। अरे पागल, लोग लिहाज के चक्कर में रहबा ना तो जिंदगी के असली मजा भूल जाएगा। वैसे भी लोग के का काम बा, ताना देवे के अलावा और कुछ थोड़ी ना आवेला। कुछ ना कुछ तो बोलते रही है, चला पीछे बैठा। बैठा? अरे ढेर लाज लगता, तो हाइलर दुपट्टा अब मुंह पर बांध ला, अब पीछे बैठ जा, केहू ना पहचान, चला बैठा। अरे गजब हाल बा भाई। अच्छा गिरेबू ना ना। सुना, ठीक से पकड़ के बैठिया, ऐसा ना हो कि तू बीच रास्ते में कहीं उलट जाए बा, हम तो के शहर जाके खोजत रही। अरे डिस्को में चले, चलो मरते हम मजा लिया जाए, चला चलो। अरे भौजी नमस्ते, आप बहुत अच्छा खेलू है, बहुत जोर से भूख लागल रहे। अब एक मिनट, उठा ओजा बैठा। कहे ई भैया के सीट है, तोरे खातिर हम दूसर थाली लिया वतनी। अरे जितेंद्र। हाँ भैया नमस्ते। कब आईला? अभी आई नहीं भैया। भैया हम डिसाइड कर ले नहीं, अब हम खेती करब। बेवकूफी के बात मत सोचा जितेंद्र, खेती किसानी में कुछ निखर खल, पढ़ा लिखल बड़ा, कोनो नौकरी कर ला। भैया अरे दो भाई आप लोग नौकरी करता नहीं ना, और बड़का भैया के भी तो क्यों साथ दे वाला चाहिए। हम भैया के साथ मिलके खेती करब, और भैया भी तैयार हो गए बाड़ी। भैया आप खाली एगो मदद कर दी। का चाहता रहा हमरा से? भैया वो कहा ना कि अब सरकार एगो योजना में अपने खेत में तालाब खुदवावे खातिर 52,500 रुपया देते, और हमान के खाली 52,500 लगावे के बाद अपने खेत में तालाब बन जाए, और हमने के खाली 52,500 रुपया लगावे के बाद, और उकरा बाद हम में मछली पालन करब, ओहू से पैसा आई। और तो और भैया भौजी के एगो समूह बनवा दिले, और उनमें 15 लाख के इक्विपमेंट्स 12 लाख सरकार दे दिया, और समूह के खाली 3 लाख देवे के बाद। एक मिनट जरा सुनी। खबरदार जी ट्रैक्टर दिलवाई नहीं, कुछ ना होई उनकरा से, और लोन के पैसा आपके ही चुकाए के पड़ी। अब ही नहीं समझा दी, जाइए जैसे। अरे जाइए। भैया वो बड़ा जरूरी काम है, को याद आ गया, हम बाद में आवत है। अरे अरे खाना खा के तो जा। अरे भैया हम बाद में खा ले, बहुत जरूरी काम बा। अच्छा भैल चल गई, ये सब के चक्कर में पड़े के कोनो जरूरत ना बा, पहले भी हमने कोनो कम मदद ना कही नहीं इनकर। अरे कबो खाद खातिर, कबो बीज खातिर, कबो घर के मरम्मत खातिर, और हर महीना 25,000 रुपया तो देते बानी। पर पहले तो मंजला भैया भी मदद करत रहनी, लेकिन अब वो तो मना कर देनी कि हमारा बच्चा हा, काहे हमनी के बच्चा नहीं के। रेखा भैया हमनी खतरा बहुत कुछ कहले बाड़न, हमनी के कौन बात के मना नखन कहले, हम उनकरा के ना नहीं कर सकत। बड़का भैया उहे कहले जे बड़के भैया होए के नाते उनकर फर्ज बा, और फिर बड़के भैया की बात अलग हा, उनकरा के बरसन से खेती के एक्सपीरियंस बा। जितेंद्र ओकरा कोनो खेती के एक्सपीरियंस बा? जितेंद्र से खेती ना होखी, खबरदार जे ट्रैक्टर के पैसे दे रहल बानी। अगर हमके पता लागल कि आप ट्रैक्टर के पैसे देनी, तो एगो बात जान ली, हमसे बुरा केहू ना होखी। महेंद्र भैया गजब हो गई। का भैया? राम असिर भैया फांसी लगा लेलन। का? हाँ भैया चलो। बाबूजी हो बाबूजी।
बाबूजी। बाबूजी। बाबूजी। ली। रहना तोड़ पार्वती। का? रामाशीष, 2 साल से शादी की तैयारी करत रहे। हाँ। अपन बेटी की। परसुइया हमरा से कहस, ए भैया, ए उस साल जितना अनाज हुई, सब बेच दे। इस साल बिटिया की शादी खूब बढ़िया से करब। पर किसान के ऐसा किस्मत कहाँ हो, जो सोचे हो जाए। सब ठीक हो जाए। हमरे को बिटिया हो, पता नहीं हमरे किस्मत में का लिखल हो। ये सब सोच के रउआ काहे परेशान होता नहीं, हमनी के साथे ऐसा ना होखी। भैया, राम आशीष भैया के साथे जोन भइल बहुत बुरा भइल, पर आपके साथ 3-3 गो भाई बाने। आप काहे चिंता कर देने भैया, और वैसे भी भैया पूरा दुनिया बदल गेल बा, खेती करे के तौर तरीका भी बदल गेल बा, तो हमके तो ई लागेला कि यहां के किसान लोग के भी थोड़ा अपना खेती के तौर तरीका बदले के चाहिए। तो हम लोग के जोन अपन बात रखे के रखला, ओकरे बाद साहब तो हम लोग के बताइए। जितेंद्र भैया, आप तो बाहर से पढ़ाई करके आयल बानी, और देश दुनिया के आधुनिक यंत्र के बारे में हमन गांव वाले के कुछ पता नहीं खे। ठीक बा, आप अगर कहतानी तो एक बार आपो के बात मान लेतानी, कइल जाई। फायदा होई तो फायदा होई, और नुकसान होई तो छोड़ देवल जाई। हर साल तो हमन लोगन के लगले रहला, कबू फायदा तो कबू नुकसान। चलो ठीक बा, अगर तू लोग सहमत बाड़ा लोग तो ये कृषि विभाग से आल हुआ साहब, ये देखा तो हम लोग के बतावत हुआ कैसे करे के है, एक बार इनसे समझ ला लो, बताएं साहब। देखिए, प्रदेश की जो सरकार है किसानों के प्रति बहुत ही ज्यादा चिंतित है, और चिंतित होने का सिर्फ एक ही विषय है कि इनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, तो उसको लेके बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और उन योजनाओं का आप लोग फायदा उठाइए। उन योजनाओं के बारे में मैंने जितेंद्र भाई साहब को सारी बातों से अवगत करा दिया है, इनसे जानकारी लेके उनका लाभ उठाइए, जब उनका आप उपयोग करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ेगी। देखा, मूल बात यह है कि जवन खेती का तरीका आओ के बदले क्या, काहे कि अगर खेती नुकसान का बिजनेस रही तो मल्टीनेशनल कंपनी आवत खेती करे। सही बंदा, सही खाते सही है। ना, मल्टीनेशनल कंपनी खेती करे आवत है, मतलब खेती में फायदा। जी जी हाँ, अब खेती के करे का थोड़ा तरीका बदले के पड़ी, जोन वैज्ञानिक तरीका से खेती करवा लोगन तब जाके उमे लाभ होई। और एगो बहुत बड़ी गलती करे ललो उ साहब, जो ने लोग डंठल जलाते हैं उसके बारे में बता दीजिए। हाँ देखिए, हम लोग जान नहीं पाते हैं कि नुकसान क्या हो रहा है, हम अच्छाई की जगह पर बुराई का काम कर देते हैं। जो अपनी मिट्टी है जिसको हम सॉइल कहते हैं, सॉइल के ऊपर जब हम किसी खर पतवार को हम जब जलाते हैं तो उससे हानिकारक कीड़े मकोड़े तो मरते ही हैं, जो लाभदायक कीटाणु हैं वो भी मर जाते हैं। हाँ, हाँ। और सॉइल की जो उर्वरक शक्ति होती है, जो फर्टिलिटी है, जो उसकी उपज शक्ति होती है, वो भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए सरकार चाहती है कि आप लोग जो हैं किसान भाई अपने खेत में किसी भी प्रकार का कोई खरपतवार, पुआल, कोई डंठल ना जलाएं। अगर आप जलाएंगे तो नुकसान आपका होगा। ओके, ना जलावे खातिर के नया नया उपकरण आला जोताई करे खातिर, जोने से कि वो जड़ से डंठल उखड़ जाए और वो खेत में सड़ के खाद बन जाए और उल्टा फायदा करी। हाँ, हाँ। और वो सिंचाई वाला जो उपकरण। हाँ, है साहब, और सिंचाई के लिए उपकरण आया है। पहले हम सिंचाई नाली बनाकर करते थे तो नाली में बहुत सारा पानी जाता था जिसका कोई उपयोग नहीं हो पाता था। और सिंचाई का मतलब ये नहीं है कि पूरे खेत को पानी से भर दिया जाए बेमतलब का, पौधे को कितना पानी मिल रहा है उससे मतलब है। इसलिए
सरकार ने जहाँ पे पानी एकदम नहीं है या कम है तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की पाइप जो है आपको सब्सिडी पर दे रही है, स्प्रिंकलर दे रही है कि कम पानी में अधिक फसल की सिंचाई कैसे की जाए, तो आप जो है उसका उपयोग करिए। जिससे क्या होगा, एक तो पानी कम लगेगा, खर्चा कम आएगा, पैदावार उससे भी अच्छी होगी। समझ गए? तो अच्छी बढ़िया। और सुना, वो जो उपकरण है सिंचाई वाला, उसमें 90% पैसा सरकार दी, 90% सरकार दे रही है, आज 10% सिर्फ किसान भाइयों को लगाना है। तो बाकी सब हम साहब से समझ ले लें, अब तो हम लोग निश्चिंत हो जा, अब हम जैसे कहते हैं वैसे खेती शुरू करा लो, जिससे कम लागत में अधिक पैदावार मिलेगी। वाह वाह साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। महेंद्र, ए महेंद्र, महेंद्र। अरे मामा जी। अरे पाव ना छुए के। अच्छा, खुश रहा, खुश रहा। आई बैठी, आई बैठी। बैठी मामा जी। शिल्पा, ए शिल्पा, मामा जी आयल बड़न, एक लोटा पानी लेके आई है। और बताई मामा जी, घर परिवार में सब ठीक बा? नू हाँ महेंद्र बाबू, भगवान कृपा से सब ठीक बा। हाँ। मामी की का हाल बा? अरे वो नहु ठीक बाड़ी। अच्छा तका। नमस्ते मामा जी। खुश रहा बिटिया। नहीं मामा जी। अरे ले ले भाम। अरे मत परेशान होगा भाई। अरे नहीं, अरे भगना है आपके। महेंद्र बाबू। हाँ। हमे को बहुत जरूरी काम से आयल बानी। प्रणाम मामा जी। खुश रहा, खुश रहा। और सब बढ़िया? सब ठीक बा। अरे अब्बे आयली है। अच्छा महेंद्र, ई बतावा कि शिल्पा सहन हो गई बिया, एकरा शादी के बारे में का सोचले बाड़ा? मामा जी, जितेंद्रा बीए कर लेलस तो सोचा था नहीं पहले एकर शादी कर दी, ओकर बाद शिल्पा की शादी की विचार बा। ना, तुहारी विचार गलत बा। हम मानत आने के जितेंद्र का उम्र शिल्पा से ज्यादा बा, लेकिन शिल्पा लड़की भी आ, और लेकिन के समय पे बियाह होखल जरूरी होला। ना तो का होला, गांव समाज में लोग 10 तरह के बात करे लगला। मामा जी सही कहता रे भैया, पहले शिल्पा के शादी हो जाए, बाद में हमार हो जाए, का दिक्कत बा? चाचू, हम भी शादी करे के ना चाहता नहीं, शादी से पहले जॉब करे के चाहता नहीं। हाँ यो सही कहतिया, पहले जॉब कर ले उकर बाद ब्याह कर ले। शिल्पा बिटिया, एक काम कर, तू अंदर जा। महेंद्र को बात कही। लड़की जब सयान हो जाली ना, तो ओकरा खातिर अच्छा लड़का मिलल बड़ा मुश्किल हो जाला। अब फिर हमनी के समाज में लड़की के जॉब से ज्यादा शादी जरूरी हो खेला। लेकिन मामा जी, जितेंद्र, तोरा के गांव समाज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं खे। मामा जी ठीक कहत बाड़े, तू एगो काम करा, भाभी जी से बोल के नाश्ता लेके आवा, जा जा। जी ठीक बा, ठीक है मामा जी। महेंद्र। हाँ। हमरा नजर में एगो लड़का बा। हाँ। यही खातिर हम आइल बानी। लड़का इकलौता बा, इंजीनियर हवे। अच्छा। अघर के 40 बीघा खेत भी बा। अच्छा। और लड़का देखे में भी सुंदर बा, घर द्वार भी अच्छा बा। हाँ। कम दान दहेज में पट भी जाई। हम तो यही कहब कि चल के देख ला, अगर मामला जम जाई तो चट मंगनी पट बिया कह के गंगा नहा ला। हम कले आपके साथ लड़का देखे चलब। तो ठीक बा। हाँ। का भाई? चाचू, हम अभी शादी ना करब,
शादी से पहले अपना पांव पे खड़ा होके के चाहता नहीं। प्लीज चाचू शादी रुकवा दी ही। अरे मैं परेशान होके का बात बा, हम बात करें ना भैया से। पागल चल। शिल्पा ठीक बोले तरी, बड़ा बड़ा शहर में देखा लड़की सब कहां से कहां पहुंच गई बाड़ी। बैंक से लेके एरोप्लेन तक उड़ा रहल बाड़ी। आ गांव की लड़की आज भी चूल्हा और चौका में फसल बाड़ी। लड़का लड़की में जब लड़की के घर वाला ही लड़की में इतना फर्क करी तो लड़की के उकर ससुराल वाला लड़की के संगे पराया व्यवहार काहे ना करी। हम शिल्पा के साथ बनी ओकरा पहले नौकरी करे के चाहिए। नमस्कार नमस्कार। ई बाड़ा विशेषर बाबू। अबे में कोनो दिक्कत ना भइल? अरे जब मामा जी साथ बाड़े तो दिक्कत के सवाल ही नहीं उठत। आए बैठा जी। आए आए। रामू चाय पानी लेके आओ। रउआ कहत रहे कि हमार होखे वाली बहू नौकरी कर चाहता री। जी बहू नौकरी कर चाहता री, हमारा कौनो एतराज नहीं खे। अगर पति चाहता कि पत्नी नौकरी करे तो करे। जी हमारा एकरा से का मतलब? ई कुल बेटा बहू समझे। रउआ ही बताई कि शादी के बजट कितना बा। देखी रउआ घरे शादी के रिश्ता लेके आयल बानी तो कुछ सोची विचार के आयल होखो। तब तो ठीक बा, शादी के बाद आगे बढ़ा सकेनी। जी बाऊ साहब आजकल के लड़कियन के घर वालन के सोच ना बिल्कुल बदल गई बा। वो लोग सोचेला कि लड़की के बीए में करा देनी तो दहेज देवे के कौन जरूरत। लड़का भी पढ़ल लड़की भी पढ़ल दोनों परिवार मिलके वो लोग के शादी के खर्च उठा ली ही। लेकिन हम ऐसा ना करब। हम कड़क नोट के गड्डी गिनवाए कहे से कि लड़का लड़का होला और लड़की लड़की कौनो भी जन्म में लड़का लड़की के बराबरी ना हो सकेला। हम का कहत हैं समझत बानी ना? जी हाँ सब समझ में आ रहल बा। देखी ये सब का आप चिंता छोड़ दे। भले किसान बाड़ा गांव में रहेलन लेकिन इनकर दूगो भाई नौकरी में बाड़े तो जौन मार्केट रेट चल रहा बा वो सब दिहल जाइए आपके। रउआ ये बताई कि लड़की देखे खातिर कब आई? लियो लियो लियो। अरे बेटी के घरे का पानी ना पियल जाला। डहरी में तो पानी पियल जाला पर कंजूस मामा ना कुछ खियले हुई है ना पियले हुई है। चाहो गई काम की बात सुना। अच्छा अच्छा। परसों लड़का के बाबू शिल्पा के देखे आ रहल बाड़न। रउआ बढ़िया से देखनी है ना काहे कि बाबू आजकल तोहरा पता बा ना कि शादी ब्याह में लड़का देखे में बड़ा धोखा हो रहल बा। अरे लड़का कुछ और करता बताओल कुछ और जाता। लड़का वाले मामा जी की पहचान के बाड़न। अच्छा हम वो छानबीन कर ले ले बानी। अच्छा ये देखा लड़का की फोटो। अरे अरे वाह फोटुआ में तो बड़ा वो सुंदर दिखा था। बहुत अच्छा बा। बहुत बढ़िया बा। बहुत बढ़िया। शिल्पा केने बाड़ी? अब भीतरे बा पढ़त हुई। शिल्पा ए शिल्पा यहाँ आवा। आवा आवा भाग क्या आवा। ये देख भैया तोरा खातिर लड़का देख के आयल बाने। शिल्पा तो के कौनो बात की चिंता करे के जरूरत नहीं खे। लड़का वाले तोरे नौकरी के खिलाफ नहीं खन। तुझे चाहता रू ना उहे हुई। मतलब लड़का वाला समझदार बाने। हाँ
वाह बहुत अच्छा। और दान दहेज के सब बात कर लेनी है ना? ज्यादा नहीं के अब कहते भर भा। मतलब दहेज भी लिया सब? बिना दहेज के शादी क्या कराता? एसपी डीएम जज सब बिना दहेज के शादी नहीं क्या करत? जे समाज के दस्तूर बना वो तो निभाए के पड़ी। बाकी हमके दहेज की चिंता करे के जरूरत नहीं थे। हमार दोनों भाई पैसा के इंतजाम करे से पीछे ना हटिए। वो दोनों तुमसे कितना बार कहलन ए भैया शिल्पा की शादी की चिंता करे की जरूरत नहीं थे। हम कल सुरेंद्र और राजेंद्र के पास जाता नहीं, ऐसे का करे के हुई हो जाके सब समझता नहीं। खबरदार जितना खेल दिलवाईनी कुछ ना होई उनकरा से। और लोन के पैसा आपके ही चुकाए के पड़ी। अब ही नहीं समझा दी जाइए जैसे। अरे जाइए। ए जितेंद्र का भेलो? ना भैया वो हम ही कतर नहीं है कि भौजी हाँ। वहां जाए से पहले भैया लोग को फोन कर दे। हाँ। जितेंद्र हम बात कर ले बानी। अयो संजोग देखा कि सुरेंद्र भी राजेंद्र के घर आवे वाला बा। दोनों से एक के जगह मुलाकात हो जाई। कम से कम फोन करके ही तो बता दा कि बहनी की शादी तय हो गई। पागल बड़ा ये सब बात फोन कर जाला हा? हम जाता नहीं ना, हम सब बतिया ले। ठीक बानू तू चिंता काहे करत बड़ा? हमरा के बतावा कि बड़का भैया के वो लोग से निराशा मिली। टेंशन ये बात के बाकी है कि भैया वो सदमा के बर्दाश्त कैसे करिए। पहले हमारे भाई लोग ऐसा ना रहे, हम सब भाइयन में बहुत प्यार रहे, पर शादी के बाद वो लोग इतना कैसे बदल गए समझे में ना आई। सुमन औरत के स्वभाव ऐसा काहे होला? भाई भाई के बीच के प्रेम के खत्म काहे कर देवेली? बड़का भैया हमरा खातिर भगवान जैसन बना, हम उनका अपमान और आंख में आंसू बर्दाश्त ना कर पाए। जीतू हर औरत एक स्वभाव के ना होली। जीतू तो हर बड़की भाभी बिता औरत बड़ी ना, जे भी हो रहल बा ओमे तो हर दोनों भाइयन के कम दोष नहीं खे। वो अपना बड़का भैया के प्रेम और त्याग कैसे भूल गए ले? दीदी बड़का भैया खुदे आइल बड़े, मतलब ई हा कि गांव के कोनो न कोनो प्रॉब्लम लेके आइल हुई है। अरे घर के दीवार भी टूट गई बा और कम से कम 1,00,000 रुपया खर्चा लगी और खाद भी लेवे के बा। सही कहता रू छुटकी, हम तो करीना के पापा से कह देले बानी कि बहुत हो गई। अरे जब हमने के बच्चा लोग छोट रहे तो ओखनी के खर्चा कम लागत रहे, अब वो लोग भी बड़ हो गई बा, स्कूल के खर्चा भी बढ़ गई बा और हमने के एगो बेटी भी बिया ना, ओकरो भी शादी ब्याह करे के पड़ी। हाँ और जब अभी से हाथ बचा के ना रखब तो कैसे शादी हुई? अरे चाहे जितना बचाला शादी में कम से कम 15-20 लाख रुपया लग जाला। हाँ तो अब कितनो कम लगी, कुल मिला के 8-10 लाख रुपया तो लगी जाई। लेकिन एक बात बा सुरेंद्र राजेंद्र, लड़का बहुत बढ़िया बा, इंजीनियर बा, इकलौता बा, 40 बीघा खेत, घर परिवार खानदान सब बहुत बढ़िया बा। 8 दिन बाद सगाई और अगला महीना के 10 तारीख के शादी बा। ली चाय नाश्ता। प्रणाम। खुश रह, खुश रह। रउआ लोग केकरे शादी के बात कर रहल बानी? शिल्पा के शादी के बात हो रहल बा, भैया सब तय कर देले बाड़न। बड़े पापा, बड़े पापा, प्रणाम। अरे अरे आवा आवा आवा, खुश रह खुश रह, बैठो बैठो। एक मिनट सुनी, तनी अंदर आई ना। अच्छा तू लोग बड़े पापा के साथ बतियावा? हाँ। ए जी
तनी बाहरी आई ना हमरा के कुछ बात करे के बा। भैया आप चाय पिया, हम आओ तनी। देखा हम तो लोग खातिर का लाल बानी, ये देखा ये तोरे खातिर आई तोरे खातिर, पढ़ाई लिखाई ठीक चलत बानू। हाँ बड़े पापा। जा 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 पढ़ाई करा जा। इतना दहेज देके शादी कई जरूरी बा? बोली का बोली भैया, ये शादी फिक्स करे से पहले हमरा से पूछल रहला का हां, हमनी के दोनों भाई के अभी ये पता चलता। अरे तो अब पता चल गई ना, जरूर दहेज खातिर पैसा मांगे आयल हुई है। हम दोनों जाना से कह देता नहीं कि एक को पैसा देवे के कोनो जरूरत नहीं खे। सारा खेत तो उन्हीं के जिम्मे बा, 25 से 30 साल हो गए खेती कर रहल बानी, हमनी तो 100 रुपया भी नहीं खे जानत। अरे छोटकी सब पैसा वो जमा करके अपने पास रख ले हुई है, वो झुट्ठो हमनी के लागे आ गई ले पैसा मांगे खातिर। भैया रेखा और भाभी ठीक कहता लो, आखिर शादी के पैसा के हम इंतजाम कहाँ से करे? हमरो तो बच्चा बड़ा सन, पढ़ाई के बाद लिखाई के बाद शादी करे के बाद हम इस शादी में 15-20 हजार से ज्यादा ना दे पाए, बाकी रोरा अपन सोच ली। तोहरा का लागत था हमरा लगे पैसा के बरसात होता, हमरो एगो बेटी भी है, धीरे धीरे वह सयान होती है, ओकरा शादी ब्याह के लेके हम खुद बहुत चिंता में रहता नहीं। भैया चाय ना लाने रो रहा ना? राजेंद्र चाय ना पिए, गैस हो जाला, डॉक्टर पिए खातिर मना कह लेबा। अच्छा हम अब चलत तानी। आप भैया इतना जल्दी? हम खबर देवे आयल रानी, बाकी सब लोग सगाई में जरूर आई है, और बच्चन के भी ले आई है। ठीक बा चला तानी। प्रणाम। खुश रह। प्रणाम। खुश रह। काबिल जी भैया हमनी के बात सुन लाले, यही से नाराज हो गए। ठीक भाई जी सुन लेनी, हमनी के मना तो ना करे के पड़ल। अरे इतना साल से खेती बाड़ी कर रहल बाड़े, खूब पैसा बचा के रख ले हुई है। सुनी छुटकी एकदम सही कहतिया, हमनी के उनका बीच में आवे के कोनो जरूरत नहीं खे, और ना ही उनका रह के पैसा देवे के बा। राम स्वरूप भैया। हाँ। बिना स्त्री के घर घर ना होला। हाँ। हमार बात माने, महेंद्र के ब्याह करवा दी। अरे इका करता लो, तो हर जगह पैर में नहीं, हमार दिल में पा आवा। क्या हो सका था? अरे तू लो भैया भैया हम कमरा में ना सुतब, हम तोहरे लगे सुतब, हमने के डर लगता। आवा आजा आजा। ऐ पार्वती आज हम तो से को वचन चाहता नहीं। बोली हमार तीनों भाई बहुत छोट बाड़न, एक कुल के देवर ना अपन बेटा समझिए। हाँ ठीक बा। सेठ जी इतना कम कीमत पे हम अनाज एक खाते देनी है कि परसों हमको अपने भाई के पैसा भेजे क्या हो। देखिए सेठ जी धोखा ना हो के चाहिए। महेंद्र बाबू चिंता मत करा, पैसा बिल्कुल टाइम पर मिल जाए।
ठीक बा, चलो तानी। पार्वती ये देखा, हमार कुर्ता पीठ पे से चसक गईल बा, एकरा के तनी सीधा। ये कुर्तवा कितना पुरान हो गईल, दूसर का है निकी ले लेत। तू तो जाने लू, हमरा के सुरेंद्र राजेंद्र के अच्छा से पढ़ावे के बा। एक बार हमार तीनों भाई पढ़ लिख के नौकरी पे लग जाई तो हमार तपस्या पूरी हो जाई। हाँ। ओकरा बाद हम कुर्ता ना सूट पहना, सूट और गाना गाई, सालम में तो साहब बन गया। भैया, भाभी, भैया। अरे सुरेंद्र। भाभी। अरे नीचे तो उतार, नीचे उतार। भैया, हमरा के आशीर्वाद दी। खुश रह, खुश रह, खुश रह बाबू। भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से हमरा के सरकारी नौकरी मिल गई। हमार मेहनत सफल कर दिला तू। हमनी के तपस्या सफल हो गई हमार बाबू। ए चाचा, कहाँ खोल बड़ा, तोर गांव आ गई। अपन गांव आएंगे पास। बाबू, इतना देर हो गई, अभी तक तो हर भैया ना आए नहीं। आज आ गए। आ गए नहीं? हाँ। देवर जी लोग से बात हो गई, पैसा के इंतजाम हो जाए ना। पार्वती, पैसा के इंतजाम हो गई। हाँ। हमरा के अपने दोनों भाइयों पे पूरा भरोसा रहा। हाँ। अरे शादी की बात सुन के इतना खुश भाइलन, ये देखा मिठाई दे लेना। हाँ? कह लगना ये भैया, शिल्पा के शादी में कोनो कमी ना होके दिया जाए। इतना धूमधाम से शादी कर जाए, इतना धूमधाम से कर जाए कि पूरा गांव में ऐसा शादी ना भइलो। हमार गला सूख रहल बा, तनी पानी लेके आवा। हाँ, लेके आओ तनी। बड़का भैया कहत रहे हैं कि दोनों भैया लोग मान गए बा, और कहलो लोग कि शिल्पा के शादी में कोनो दिक्कत ना आवे दी लोग। लेकिन हम बड़का भैया के चेहरा पढ़ लेनी, बड़का भैया झूठ बोला तारे, जरूर दोनों भाई मना कर दिले हुए हैं। अब बड़का भैया की टेंशन कैसे दूर करी यह समझ में नहीं आवत। दहेज लड़का लड़की के परिवार खातिर कितना बड़ दुश्मन बा, आज ही बात हमके समझ में आ गईला। पता ना कि लड़का लड़की के बीच में इतना बड़ भेद कैले बा, लेकिन जी भी कैले बा वो लड़की के बहुत बड़ दुश्मन होई। हमके तो हमार दोनों भाई ये लोग दुश्मन लगता। भैया और भौजी कहा ना कैलो लोग खातिर, और आज भैया भौजी के तपस्या के ई सिला दे रहल बालो। ओ दोनों के हम कबो माफ ना करब। हेलो महेंद्र जी, रवाज पैसा लेके आवा वाला रहने, कहाँ पहुंचल बने, हमरा और इंतजार करता ने। विश्वेश्वर बाबू, हमके दो चार दिन की मोहलत और दे दी, हम पैसा के इंतजाम में लगल बानी, पैसा मिलते ही हम रउआ के पास आ जाए। पहला इंस्टॉलमेंट भी हाल बा, तागे का हुई महाराज। देखिए अगर पार नहीं लागत तो प्रोग्राम कैंसिल कर दे। अभी कोनो जरूरी बा कि सबके दमाद इंजीनियर होके, अरे बेरोजगार बाड़े, चपरासी बाड़े, वो सब का करी है। हा?
ऐसा करी रउवा कोनो दूसर दरवाजा देख ली। ना ना विशेषर बाबू, ऐसा बात ना कही। ता कैसन कही, का करे है? आपके वजह से हम अपन टाइम और अपन रेपुटेशन खराब ना करब। बस हमके हमके एक मौका और दे दी, तू चार दिन। ठीक बा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ली कि शादी से पहले हमरा के पूरा पैसा मिल जाए के चाहे। पूरा पैसा मिली तभी यहाँ से बारात उठी। और हाँ, ओ समय अपन इज्जत और प्रतिष्ठा के दुहाई मत देवे लगब, काहे कि हम पैसा कौड़ी के मामले में बहुत सुलझल आदमी बानी। ना ना ऐसा कुछ ना होई, बेटी की शादी का मामला बा, हम जल्दी आपके पास आवतानी। ठीक बा, प्रणाम। रिश्तों का बटवारा। बाऊजी, हमरा के बहुत भरोसा रहे कि शिल्पा की शादी में दोनों भाई पूरा मदद करिए, लेकिन हम गलत साबित हो गए। नहीं, हम अपन आंख से देखनी है कि परिवार के पाया में खून लग गई बा। अब एकरा के गिरे से बचावल बहुत मुश्किल बा। ए जी, हमरा और सब बात सुन ले ले बनी, अगर वो लोग अपना कर्तव्य के नहीं खे समझत तो हम वो लोग के समझाए। आप बड़ी मेहनत से हमनी के ये घर बनोले बनी जा, इतना आसानी से ये घर के ना टूटे दे। हम वो लोग से बात करो, जब बाल बच्चा अपना फर्ज के भुला जाला ना, तो माँ बाप के कर्तव्य होला ओकरा के सही राह दिखावे के। हम रिश्ता में भौजाई भले लागे नी, बाकी रेगो माई से कम प्यार हम नहीं खी देले उ लोग के। हमार जाए के इंतजाम कर दी, हम जाए वो लोग के समझावे। का समझेबू है, वो सब बच्चा ना रहल, बड़ हो गई बा, हमसे भी ज्यादा समझदार। शिल्पा के माई, पंछी के बच्चा के जब पर आ जाला ना, तो आपन घोसला छोड़ देला और फिर कभी वापिस ना आवेला। ये संसार के रीत बा। लेकिन पंछी और मनुष्य में अंतर बा ना। जमाना बदल रहल बा, एक खातिर अंतर भी बदल रहल बा। हम तो सुन लिए कि बड़ा बड़ा शहर में बच्चा लोग अपने माँ बाप के घर से बाहर कर दे ले। लेकिन ये तो गलत बात बाना। कहा गलत और कहा सही, ये एक व्यक्ति नहीं, समाज तय करेला, समझ लू। तो कोनो बात की चिंता मत करा। कैसे हम चिंता ना करी, आखिर हमनी के शिल्पा के दहेज के इंतजाम कैसे होई? शिल्पा के माई, एक बात बतावा, जब बाऊजी मोल रहलन तो हमार का उम्र रहल, हमार कंधा भी मजबूत न रहल। तू सब बात के गवाह बाड़ू, फिर भी हम परिवार की जिम्मेदारी निभानी ना, केहू को कोनो बात की तकलीफ ना होके देनी। बाबूजी के बोझ तो हम उतार देनी, शिल्पा के ब्याह सिर्फ हमार जिम्मेदारी है। ये देन में अभी बहुत ताकत बा, सब जिम्मेदारी निभा दे हम, तू चिंता मत करा। अरे का ए, अरे बड़का बड़का लोर का है टपका रहा बाड़ू, हाँ एक बचा के रखा। शिल्पा के ब्याह के बाद विदाई में काम आई,
अरे माई बाड़ू ना रोबू तो बराती लोग का कही है रोबा कौन माटी के बनल बनी ये तू सही पूछ लो हम बलवाही नहीं केवाल माटी के बनल बानी शुक्ला पर पत्थर लेखा कठोर चंदू जाए गिलास पानी लेके आवा अभी पैसा का इंतजाम करेंगे बा जा नमस्कार सेठ जी नमस्कार भैया नमस्कार बैठिए महेंद्र जी बैठिए सेठ जी पैसा दी हमका जल्दी बा अच्छा अच्छा ये ले ई का बा सेठ जी तोरे ऊपर संदेह करे के कोनो जरूरत नहीं है जैसे आप चार भाई बानी वैसे हमरो दुगो भाई बाने रुपया पैसा के मामला बा कागज बनावे के पड़ी एमे लिखल का बा एमे लिखल बा 2 बीघा जमीन गिरवी रख के ई पैसा दिहल जा रहल बा जब आप पैसा वापस करब तई कागज आपके वापस मिल जाए नहीं इले, बस पैसा दे दी महेंद्र बाबू हमरा के गलत मत समझिया जैसे आप मजबूर बानी वैसे हमहू मजबूर बानी ये आपस के बात है कोनो बाहर के ना है ये हमनिये तक रही शिल्पा हाँ? चाचा के रोटी लेके आवा देता नहीं ठीक बना ले बना बस कर पार्वती हाँ पैसा आ गए सुरेंद्र राजेंद्र पैसा भेज दिलन हाँ हाँ हमका लड़का वालन के पैसा देखा दे आजे जाके हुई हाँ। जल्दी से एक धोती कुर्ता निकाल दा हाँ हम तैयार होत बानी चले हम देता नहीं देखे आवता नहीं जितेंद्र हाँ भैया प्रणाम हाँ बोला जितेंद्र बहुत धन्यवाद भैया आप लोग तिलक खातिर पैसा भेज देने पैसा भेज देने अरे हम आप लोग के बारे में एकदम गलत सोचत रहने भैया आप लोग के खातिर आज मन में सम्मान बढ़ धन्यवाद भैया प्रणाम काजी केकर फोन रहे हाँ? जितेंद्र के का कहलन कहतराल है कि रउआ लोग तिलक के पैसा भेज देने वही के धन्यवाद बोलत रहा है लेकिन हमने के तिलक के पैसा मतलब हम तो भेजले नहीं थे राजेंद्र भेजले बका रुका पूछा था नहीं भैया प्रणाम हाँ खुश रह राजेंद्र अरे हम के ना बतावला है और भैया के तू पैसा भेज देला तिलक खातिर का बड़का भैया के पैसा हम भेज दी हाँ ना तो जितेंद्र तो बतावत रहा ला कि तिलक के पैसा आ गेल बा और धन्यवाद बोलत रहा ला का जितेंद्र कॉलसिया कि बड़का भैया के पैसा हम भेज ले बनी अरे भैया हमारे लगे पैसा कहाँ बाकी हम भेज अच्छा ठीक बा तू चिंता मत करा हम पता लगाओ था नहीं सच्चाई का बा ठीक बा भैया एमे सोचे के का बात बा हम कहले ना रही वो पैसा जमा करके रखले हुई है
झूठे आगे ले हमनी से पैसा मांगे खातिर, ताकि उनकर जमा पैसा जमा रहे। ओहो, ई तो बहुते चालू बानी बड़का भैया और भाभी। और तू उनका के बहुत भोला भाला समझत रहला ना, देखला। मझला भैया और सजला भैया के बारे में हमार सोच एकदम गलत निकलल। जानत आरु भैया लोग तिलक के पैसा भेज दे ले हैं लोग। यही से कहल जाला केहू के बारे में पहले से राय ना बनावे के चाहिए। एकदम सही कहता रो। लेकिन एक बात बतावा, शिल्पा के शादी के बाद कुछ हमनी के बारे में सोच ले पाड़ू का? मतलब हमनी के भी शादी वादी करे के? अच्छा तो ठीक बा, लेके आ जा बारा। लेकिन सुना, हम सुहागरात घर के छोटा कमरा में ना मनाए। तब कहाँ मनाएंगे? हम कहीं दूर रोमांटिक जगह में, खुले आसमान में तुहरे साथ में। अच्छा, खुला आसमान में? जोड़ी निमन लागत था। सुरेंद्र भैया, जौन सगाई हो रहे हो ना, तुम्हारे बड़का भैया को जैसे हो रहल बा का? हाँ, का कहता रहो तू? अरे महेंद्र भैया ना हमारे बड़का भैया के लगे आयल रहना है। देख लेनी ना, हम जौन कहले रानी उहे भइल ना, ऐसे नहीं करके उस सब की हिस्सा हड़प जाइए। अब का सोच रहल बाड़ा? अब भाई ना बोलबा तो कब बोलबा? आज सारा समाज और गांव इकट्ठा बा, जाके बता दी महेंद्र भैया के करतूत का कहले हवे। अरे आज सगाई पहले तू लोगन हो जाए दे लोग, फिर भैया से बैठ के बात कर जाए ना। ना ना ना, रउआ लोग आज अभी ये बात करी, ना ही तो पूरा जमीन जायदाद बेच दिए और हमने के पता भी ना चली। का सोचा था नहीं? चली अभी चली आई। अरे चली, बात की समझा, चली। बंद कर हलवानी साहब। सब केहू अपना अपना घरे जाओ। सगाई के रस्म बाद में होई, पहले बंटवारा होई। ई का बात करता रहा? का बकवास करता रहा तू लोग? जितेंद्र भैया हमने की धोखा देले बड़न। धोखा? कैसन धोखा? हमने के बिना बतौले जमीन गिरवी रख दे ले बड़न भैया। एक दो कट्ठा ना, दो बीघा उतब सेठ के भाई बतावला सामने के, तब मालूम पड़ला। लेकिन पैसा तो तू लोग भेज रहला ना? हमने कोनो पैसा ना भेजले रहनी जा, वो तो तुहार फोन आ लेता हमने के मालूम पड़ला। तब जाके हमने के माता ठनकल की भैया के पास इतना पैसा आयल कहां से आओ? खैर अब पहले बंटवारा होई, ओकरे बाद फिर कोनो सगाई होई। दिमाग खराब हो गई बा तू लोग के? अगर भैया ये कदम उठे ले तो तोनी लोग की वजह से। अगर तोनी लोग पैसा भेज ले रहता तो भैया का जरूरत पड़ी खेत गिरवी रखे के?
महेंद्र बाबू, ये सब का हो रहा बा? सुरेंद्र, राजेंद्र, बिटिया के सगाई हो जायदा हम तो लोगन के बाद में सब बात बताओ तानी। का बताए भी रहुआ, हमनी के सब पता चल गई। अब पहले बंटवारा होई, ओकरा बादे कुछ और होई। का महाराज, चला लोग जी, अपन सहोदर भाई के साथ इतना बड़ धोखा कर सकेला, वो बाकी लोगन के साथ का करी। अभी सगाई ना होई, रिश्ता कैंसिल। चलो लोग, चल बेटा। लेकिन बाबूजी, आपका भाई रुक जाए। चल, हमारी बात सुनी, हमारी बात सुनी। मिस्टर बाबू, मिस्टर बाबू, मिस्टर बाबू, रुक जाए। सच बा कि हम खेत गिरवी रख के पैसा लेनी है, यह बात सच बा। हमरे मन में एक पैसा की बेईमानी नहीं की। हम जो कुछ भी कहनी है मजबूरी में कहनी है, अपन और अपन परिवार की इज्जत बचावे खातिर। भाई, तू लोग भरोसा रख, हम पैसा दे के खेत छुड़ा ले तो इन लोग की इज्जत पे आंच ना आवे दे। बाकी तू लोगों से विनती बा, जब तक हम जियत पानी घर और खेत के बंटवारा ना होके के चाहिए, हम हाथ जोड़त बानी तू लोगन से। अरे ना भैया, रउआ जी गलती केले बानी, ओकरा बाद रउआ बात के कोनो भरोसा नहीं खे। अब बंटवारा तो होके रही। हाँ हाँ, अब बंटवारा होके ही रही, नहीं तो पता चलल कि अचल संपत्ति सब बिक गइल बा। हाँ, हमनी भाइयन के बीच में तू लोग तब मत बोला, तो अन्य लोग के बोले कि कोनो अधिकार देखे। काहे ना बोली, हमरो के अधिकार बा। हम ई घर पे ब्याह के आईनी है, कोनो बात के ना आईनी। हमारे पापा 5 लाख रुपया देले हा दहेज में, और जितना अधिकार इनकर बा उतना अधिकार हमार बा। ठीक कह दिया छुटकी। भैया कह दे, लोग बीच में ना पड़े। जितेंद्र, रेखा कुछ गलत ना कह लिया, इनकरो बोले के अधिकार बा। तो इन लोग के का लगा था भैया, जो कहले वो गलत कहले। भैया जोहन भी कहले हाँ, एकदम सही कहले। अपने हाथ में रहा जितेंद्र। कहा हाथ में रह के बात करी, कहा हाथ में रह के बात करी। हमरा पता ना रहे कि तू दोनों लोग एकनी के गुलाम हो गए वाला लोग। जितेंद्र, सुरेंद्र, छोट हो गए बड़े भाई से बात करके लिहाज भूल गए बड़ी थे। अरे ये सब का हो तो हमने सामने तू लोग मारपीट करत बाड़ा। अरे हम बाबूजी के वचन देले रहनी कि जब तक जिया बंटवारा ना हो के देव, और हमरे सामने तू लोग लड़ाई करत बाड़ा, हम ही बंटवारा ना हो के देव। भैया, 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 लाओ जल्दी। भैया, देख लेनी दीदी, पसार देनी नया नाटक। भैया, भैया, भैया। बाऊजी,
प्यार अगर भाभी के छोला था तो उन्हीं के लालच की वजह से भैया हमने के छोड़ के चल गए। अगर तोनी के भैया की बात मान ले रहता सर तो भाभी की मांग सुना ना भैया भैया की मौत के जिम्मेदार तोनी के बाड़ा सर। जितेंद्र क्या बकवास कर रहा बाड़ा? तोरे चीखे चिल्लाए से ना हम डरे वाली नहीं की, उनकर मौत की वजह ना हम नहीं की, ई उनकर बेटी शिल्पा बाड़ी। कम दहेज में भी तो ब्याह हो सकेला ना, लेकिन ना बेटी की तो जिद रही राजा घरे जाए के। जा राजा के घरे, बाप के पहुंचा दे लो भगवान के घरे। क्या चाहता रहा तू? क्या चाहता रहा कि मुआला के बाद उनका आत्मा के शांति ना मिले? काहे हमार जियल मोहाल कैले बड़ा? हे भगवान, का हम गलती कैले रहे भगवान? कहो ना गलती के तू सजा दे रहल बड़ा। चुप हो जा। चल छुटकी, इखनी से तो मुंह लागल भी बेकार बा, चल यहां से चल। चुप रह भौजी, पापी लोग के मासूम बच्ची पर भी दया नहीं किया बाबू। मार बाबू, अपने के भाभी तो संभाल अपने आप के, हम उस शिल्पा के देख के आवता नहीं, हम शिल्पा के देख के आवता नहीं। शिल्पा, शिल्पा, हट, हट, छोड़ी हमने के मर जाए। दिमाग खराब हो गई बात है? मर जाए दी चाची हमरा के, हमरा वजह से हमार बाऊजी हमने के छोड़ के चल गए ले, हम मानिए घर के बर्बादी के जिम्मेदार। एक बार भी ना सोच लो, भैया हमने के छोड़ के चल गए ले, और अब तो फांसी लगा चाहता रू, एक कुबर ना सोच लो तू, बाऊजी के का आलो, हमें दुनिया के काम मुंह दिखाए। अरे पागल, भले भैया ये दुनिया में नहीं खन, लेकिन हम अभी जिंदा बानी, और जब तक हम जिंदा बानी तो अन्नी के कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समझ कि हम ही तुर बाप बानी। घर से निकल जा लोग ना तो सामान के साथ तोनी लोग के भी उठा के घर से बाहर फेंक दे। ज्यादा ना ढेर गुंडाई मत करा, ये घर तो हार नहीं के, समझ ले? अरे बाप के नहीं के, निकल घर से। जितेंद्र अपन मुंह संभाल के बात करा। ए तोनी के घर में रहे के लायक नहीं खसा, एक घर के बंटवारा ऐसे होत रहे काहे के भैया के लिहाज करत रही, और अब एक घर के बंटवारा ना हुई जेकरा में दम होके वो बंटवारा करके दिखावे। जितेंद्र पागल हो गए बड़े, कहते पागल नहीं हो गए, पागल पहले नहीं,
हमरा आंख में पर्दा पड़ल रहे, हम क्या लगत रहे पहुंचाए लोग बाहर से अलवा अपन पराये करी तोहनी के सहोदर भाई हो के का कहला सन है का कहला जॉन भाई अपने खून पसीना के कमाई से तोहनी के पाल पोस के बड़ा कहलस तोहनी के लायक बनौलस वही भाई के बेटी के शादी में पैसा देवे से इनकार कर देला सा तोहनी के घर में रह के लायक नहीं घसा हमरा माता पे भूत सवार बा चुपचाप घर से निकल जा लो ना तो अगर आज तोहनी पे हाथ उठावे के पड़ल तब वो हम पीछे ना हटब जितेंद्र काहे तू ये घर के तमाशा बनाइले बड़ा बाबू एकदम चुप रहो जी कुछ मत बोला तोके भैया के कसम तोरा खातिर हमरा मन में बहुत इज्जत बा लेकिन एकनी के मन में तोरा पति कोनो इज्जत नहीं के चुप रहा एकनी के एक घर में रह के लायक नहीं खासा भौजी इलाद के भूत हवे सा बात से समझे वाला ना हवे सा लाठी कहां बा अभी समझाओ तारे लाठी ले उनकरा के कुत्ता बना के ना छोड़नी ना तो हमहू अपन बाप के बेटी नहीं खी बहुत गर्मी चढ़ गई बा ना का समझत रहे अपने आप के ऐसा सबक सिखाई ना कि हमरे आगे पीछे दुम हिलावत रही है लेकिन छोटकी ये कैसे हुई अरे ओकरे सर पे तो खून सवार बा हमने के घर और खेत पे कब्जा कर ली है हमरे ननिहाल में भी ऐसे ही भाई उनके दोनों भाई मिलके मामा जी के घर द्वार सब कब्जा कर ले और मामा जी के मार के दोनों टंगरी तोड़ के खटिया पे लेटाई के अस्पताल ले गई ले आज भी 10 साल बाद मामा जी ठीक से खड़ा ना हो सके ले कई हमनियों के साथ ऐसा अरे चुप रहो तने हमरा के अस्थिर दिमाग से सोचा दलोग करे के काबा भैया एगो दोस्त हमार वकील बा कहत ओकरा से बात करके देखी का कहला बात करा ओकरा से वकील साहब ऐसन कुछ करी कि सबसे पहले तक खेती पर रोक लग जाए खेती बंद तो अनाज ना होई ऊ लोगन के घर छोड़े के पड़ जाए तब समझ में आई कि ऊ लोग कितना बड़ गलती कर रहल बा जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा जितेंद्र जी आप ही हैं जी आपके नाम कोर्ट का नोटिस आया है कोर्ट की नोटिस ये लीजिए कोना बात की नोटिस खुद ही पढ़ लीजिएगा यहां साइन कर दीजिए जीतू कैसा नोटिस है बेटा अपन रंग दिखा दे लस लोग खेत पे स्टे ले ले लेबा लोग जब ले बंटवारा ना हो जाए तब ले हमनी के खेत में कुछ नहीं खींचा कर सकत का उलो खातिर हम शिल्पा के बाबूजी का ना कहनी जा ओकर इसी लदी हल्लो चिंता मत कर भौजी हम बानी ना चला आवा चाचू का भाई का भाई शिल्पा चाचू हम बड़ा भागिन बानी आज हमरे कारण तू लोग के कोर्ट कचहरी के भी नौबत आ गई ए पागल सुन के कलस है तुके कि तू अभागिन बाड़ी तू अभागिन ना तू बहुत सौभाग्यशाली हो तोके पता बा जब तुहार जन्म ना भइल रहे एक घर में खाए भर अनाज ना होत रहे बाकी जब तुहार जन्म भइल तू लक्ष्मी बन के घर में पैदा भइलो और ओकरे बाद एक घर में कबो अनाज के कमी ना भइल और उहे अनाज बेच के
भैया सबके पढ़ाई ले और नौकरी धरे ले। आज जौनी घर के दुर्दशा भइल बा, एकर जिम्मेदार तो ना, एकर जिम्मेदार वो लोग बा। तू तो ये घर के लक्ष्मी हो बेटा, लक्ष्मी हो तू। मम्मी तू रोत हो, रोवाला से का दुख भाग जाए, कल से तू कुछ ना खाइलू। अगर तू कुछ ना खाइबू और तहरा के कुछ हो जाए तो हमनी के का होई मम्मी? थोड़ा सा खा ला मम्मी। नहीं भूख नहीं के बाबू, थोड़ा सा खा लो मम्मी, भूख नहीं, थोड़ा सा खा लो प्लीज। तो खा लो, जब तू ना खा लो तो हम कैसे खा सकेला तोरे बिना? हमके पता बा तू बहुत समस्या में बाड़ा, लेकिन हम तो कैसे उदास और निराश नखे देख सकत। तू हमर जान हो, तुहार आंख में आंसू ना, होठ पे मुस्कान अच्छा लगेला। सुमन, हमार परेशानी तोरे समझ में ना आई, कहे कि हम अपने खातिर परेशान नहीं थे। भौजी की हालत देखल देखे जात और अब हमरा समझ में नहीं आवत कि हमनी के मुसीबत से कैसे बाहर निकले के। जीतू, हम तुहरे मन की पीड़ा समझता नहीं। हमके बतावा तुहर बड़का भैया की जगह केहू और ना ले सकेला, बाकी इतना भरोसा जरूर दे हम तुहरे साथ हमेशा खड़ा बनी। अगर मौत भी आ जाए ना तो हम सामने आके खड़ा हो जाए। और वैसे भी कोर्ट के लड़ाई आंसू से ना, बुद्धि से लड़ल जाला। यही से अपना आंसू पोछा और संभाला अपने आप के। हम जाने ले हमार जीतू कमजोर ना, एक बहादुर इंसान बड़े और बहादुर इंसान कभी हार ना माने ले। जीत तो हार होई। हाँ वकील साहब। जितेंद्र, कल कोर्ट की तारीख है, 11 बजे पहुंच जाना। जी ठीक है, हम 11 बजे पहुंच जाए अपने आला। जी नमस्ते। जीतू, उन लोग के जी चाहे वो देखे, तू झगड़ा खत्म कर बाबू। कहे कि घर परिवार के बात ना पुलिस और कोर्ट कचहरी में गए ठीक बात ना होला। बात बहुत आगे बढ़ गई बाबू जी। उकने के हमार भगवान समान भाई के न जियत जी मान रखना सा न मोला के बात। भैया और त्वार खून पसीना सींच के बनावल एक घर के इज्जत के दागदार कर देने सब। हम उकनी के आगे हार माने वाला नहीं खे। अब जौन फैसला हुई वो न्यायालय में हुई। वो लोग अपना राह से भटक जाइए, अपन धर्म भुला जाइए,
तई कोनो जरूरी बा कि हम हूँ अपन धर्म भूला जे। कौना मिट्टी के बनल बाड़ू भौजी, जे लोग के वजह से तुहार मांग सुनी हो गई, जे लोग के वजह से आज ही घर की इज्जत नीलाम हो गई, ओ लोग के प्रति तुहरा मन में कौनो गुस्सा नहीं है? तू ओकनी के माफ कर सकत अरु भौजी, लेकिन हम ओकनी के माफ नहीं कर सकत। कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, बंटवारे की रेखा एकदम स्पष्ट है, इसमें थोड़ी भी उलझन नहीं है। हमारे क्लाइंट चार भाई हैं, अब लाजमी है कि चारों का बराबर बराबर का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन उसमें जितेंद्र जी, जो हमारे क्लाइंट के सबसे छोटे भाई हैं, इनके मन में बेईमानी घुस गई है। ये चाहते हैं कि सारा खानदानी पुस्तानी जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, सारा इनके अकेले के नाम हो जाए। हमारे क्लाइंट राजेंद्र जी और सुरेंद्र जी जब बंटवारे का नाम लिए तो पूरी तरह से वायलेंट हो गए, आग बबूला हो गए और हाथापाई पे उतर आए, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की और नजदीकी पुलिस थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। आप इसे देख लीजिए सर। योर ऑनर, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे सुरेंद्र जी और राजेंद्र जी, जो बंटवारे की प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, उसमें बराबर बराबर का हिस्सा दिलवाया जाए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू। बचाव के वकील को कुछ कहना है? जी योर ऑनर, आपकी इजाजत हो तो हमारा क्लाइंट अपना पक्ष खुद रखना चाहता है आपके समक्ष। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, वकील साहब जो हम कोर्ट के सामने बात रख लें, वो एकदम सही बा। हमने के एक माता पिता से चार भाई बानी जा, तब पुस्तैनी जमीन में चारों का हिस्सा भी बराबर होके के चाहिए, ना केहू के कम ना केहू के ज्यादा। लेकिन जज साहब, वकील साहब आधा अधूरी बात बतौले हैं। ये हमार मझिला भैया सुरेंद्र प्रसाद लखनऊ में सरकारी नौकरी करे ले और 2 कट्ठा जमीन खरीद के बहुत आलीशान महल जैसन घर बने ले बने। हमार मझली भाभी मीना देवी जी के नाम से 10 लाख रुपया के फिक्स डिपॉजिट के ले बने, 5 लाख रुपया के गहना भी बा। वैसे ही हमार दूसरका भैया राजेंद्र प्रसाद के नाम से भी गाड़ी, घर, बंगला, बैंक बैलेंस और जेवर भी बा। अब आप बताएं जय साहब, मात्र 15 साल में ये लोग ये जो धन संपत्ति बनेले बा, वो किकरे बदौलत बनेले बा? काहे कि हमार बड़का भैया जे बचपन से सिर्फ खेती कैले और वो कुछ ना कर पैले। सोचे की बात ही बा जज साहब, कि हमारे बड़के भैया के नाम से जमा पूंजी तो छोड़ दी, उनके नाम से तो बैंक में खाता भी नहीं के। हमारे बड़की भौजी के पास 2 गो कनबाली रहे, जो उन ब्याह में उनकर माई दे ले रही। हमार भैया वो बेच दे ले ए लोग के पढ़ावे खातिर, लोग के नौकरी दियावे खातिर।
हमरे बड़के भैया के पास पुस्तैनी जमीन और घर के अलावा कुछ ना रह जाए साहब। जोन भी कमाई ले परिवार की तरक्की खातिर, परिवार के आगे बढ़ावे खातिर सब खर्च कर दे ले। योर ऑनर, ये जितेंद्र जी किस्सा कहानी सुना के क्या साबित करना चाहते हैं? बंटवारे का मामला बिल्कुल साफ और सुलझा हुआ है, ऐसी कहानियां सुना के इसका क्या मतलब योर ऑनर? एकर मतलब बा जज साहब, जोन बात हम बता रहे अलबानी वो किस्सा कहानी नहीं खे, एक हमन जीर अलबानी जा। हमार बात छोड़ दी जज साहब, ये दोनों भाई लोग से पूछी कि अगर बड़का भैया ए लोग के अपने तरह खेती बारी में लगा देले होते, पढ़ेले लिखेले ना होते, नौकरी ना धरीले होते, तो का आज ही लोग अपने नाम से इतना संपत्ति बना पाते? हमार बड़का भैया खुद भूखे रहले, अपने खुद फाटल कुर्ता पहनत रहले, लेकिन परिवार में केहू के कोनो कमी ना होके देले। और जज साहब, अक्सर हम बड़का भैया से पूछत रही, भैया तू अपने नाम से संपत्ति काहे नहीं बनावत? तो हमार भैया का कहले, हमार भैया कहले जज साहब कि जितेंद्र, हमार असली संपत्ति तो हमार भाई लोग हमें। और ऐसा देवता समान भाई के बेटी के ब्याह होके के टाइम आई तही दोनों लोग बंटवारा कर चलाइल जज साहब। हमारे भैया के बंटवारा से भी इनकार ना रहे, हमार भैया तो सिर्फ इतना चाहत रहे कि जब तक हम जीवित बानी तब तक बंटवारा मत करा, हमरे मर गेले के बाद बंटवारा कर लिया लो। योर ऑनर, कोर्ट में फैसला सबूत और गवाह के आधार पर होता है, इसमें सेंटीमेंटल और इमोशनल बात की कोई जगह नहीं होती। सारे सबूत और गवाह हमारे क्लाइंट के पक्ष में है, आप फैसला सुनाइए। हम माननीय न्यायालय के सामने अपन बात रखे के चाहता नहीं जज साहब। आज ही जोन केस पे जीरा चल रहा बा, खाली हमरे घर के समस्या नहीं के जज साहब, इस देश के हर घर के समस्या बा। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति के सबसे बड़ धरोहर, और यहां हमनी के सब लोग संयुक्त परिवार से बानी जा। लेकिन हमनी के देख रहा बानी जा कि आज अपन अलग से बनावे के आपा धापी में लोग अपन ईमान धर्म सब छोड़ रहा बा जज साहब। ये बात बिल्कुल सही बा कि कोर्ट में भावना खातिर कोनो जगह नहीं के, लेकिन जज साहब परिवार बिना भावना के ना चल पाई, परिवार के फले फूले खातिर के त्याग तपस्या और भावना की जरूरत पड़ेला जज साहब। ममता प्यार और त्याग ये परिवार रूपी नदी के जीवन धारा आ जज साहब, और अगर ही धारा सूख गई फिर ना कोनो घर बची, ना कोनो परिवार बची, ना कोनो समाज बची, ना कोनो राष्ट्र बची, और ना ही मानवता बची जज साहब। संपत्ति के अधिकार में कानून के नए सिरे से सोचे के चाहिए, बदलाव करे के चाहिए। यहां लोग न्याय खातिर आवेला जज साहब, कहे कि न्याय के मंदिर है, और हम आज कहे कि चाहता नहीं जज साहब कि केहू और के हिस्सा से हमके एक फूटी कौड़ी ना चाहिए, बस न्याय चाहिए जज साहब, न्याय चाहिए। बाबा जी संभालिए अपने आप को। भैया भैया, हाय, कोई भैया मत करना, ये केस तो खत्म हो गया और मेरे मुवक्किल को न्याय नहीं मिला। बंटवारे की आड़ में रिश्तों का और दिलो दिमाग का बंटवारा पहले ही हो जाता है। मैं अदालत से पूछना चाहता हूं कि
ये बंटवारा कब तक अपनों से अपनों की जान लेता रहेगा? क्योंकि जब अदालत से न्याय होता है तो एक के घर में तो दिया जलता है लेकिन दूसरे के घर में अंधेरा हो जाता है। मिलोन, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिना गंभीरता से विचार किए इस केस में कोई भी निर्णय लेना मुश्किल है, इसलिए यह अदालत आज कोई फैसला नहीं सुनाएगी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और साथ ही साथ एक जज होने के नाते मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा कि संयुक्त परिवार के जायदाद के मुद्दे में एक नई व्याख्या दें कि बंटवारे के समय अधिकार के साथ साथ प्रेम, त्याग और कर्तव्य पर भी विचार किया जाए। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। इतना देर हो गई, अभी तक ना आईले, पता ना कोर्ट में का होत हुई। ना छोटकी, सब ठीक हुई, तू चिंता ना करा। हमके लगा था वो लोग आ गए, तू बैठा, हम देख के आवत नहीं। रुआ? हाँ, हमरा राजेंद्र और सुरेंद्र से कुछ जरूरी बात करे के बा। आई लगता नहीं भाभी। खुश रह बेटा, खुश रह। प्रणाम भाभी। खुश रह। राजेंद्र सुरेंद्र, हम तो लोग के अपना से कब्बो अलग ना समझनी। जब हम बिया करके वो घर में आयल रही तो तोहर बड़का भैया पहला रात के हमरा से एगो बचन ले रही कि हम तो तीनों भाई के अपन देवर ना, अपन बेटा मानब। भगवान जाने कि आज भी हम उहे माने नहीं। तू लोग के कबो कोनो छोट भाव से हम ना देखनी। अब जौन होके कह रहे तौन तो हो खिल बाबू। बाकी हम एगो बात कहे खाती रहनी है कि तू लोग के जौन भी हिस्सा चाहे ले ल जा, बाकी हमरा के हमर वो घर दे द जा। कहे कि वो घर में हमने जिंदगी के सारा रिश्ता नाता सारा दुख सुख जुड़ल बा। हम ये कहे खातिर आ गई नहीं और कोर्ट से केस वापिस ले ला। हमार बाबू हमार घर हमरा के दे दा। कहे कि कोर्ट में हम अपना घर के तमाशा नहीं की बनावल चाहत। बड़की दीदी, अब जे हुई वो कोर्ट से हुई, रवा जाइए जैसे, कोनो इमोशनल ड्रामा काम ना करी, जाइए जैसे। ना छोटी, तू ऐसन काहे बोला तड़ू। हम यहाँ कौन इमोशनल ड्रामा करे खातिर न किया। अच्छा तो रउआ यहाँ काहे आई नी? हाँ हाँ, देख ले रहनी ना, ओ दिन कैसे जितेंद्र हमनी के ऊपर रावण जैसन गर्जत रहे, कैसे जितेंद्र बाबू हमनी के लाठी लेके दौड़ौले रहे। तब कहाँ गए रहे राउर इमोशन, राउर भेदभाव और ई जोन मोट मोट आंसू बहता, ई कहाँ गए रहे ओ दिन? ठीक है कहलू दीदी, सही मुद्दा उठौलू। हाँ, उस दिन तो बड़का शेर बनत रहे ना, कोर्ट देख के अकल ठिकाने आ गई, उनके ऐसे मुक्ति ना मिली, ओकरा के जेल भिजवाए के ही पड़ी। ये कसम खैले बनी, जाई जैसे जाई। इतना कठोर मत बना तू लोग। हमरा जितेंद्र से जौन भी गलती हो गई ओकरा लिए हम माफी मांगे खातिर आयल बनी। हमरा के माफ करता जा। छोटे,
हम बड़ होके तुम्हारे गोड़ पर तनी चाहिए जैसे भैले हमरा भाभी के हाथ लगावे के जान से मार दे तो के जितेंद्र छोड़ उनके छोड़ छोड़ उनके भाई जीतू छोड़ अगर तू मार पीट कर बंद ना करबा ना तो हमार मरल मुंह देखबा उन्हें पता तू कितना बड़ा पागलपन कर चुकल बड़ू अगर जितेंद्र पुलिस के सामने हमने के खिलाफ बयान दे दलस तो सब बंटवारा के सपना धैला के धैला रह जाई आ हमनी पर हाफ मर्डर के केस भी हो जाई केस का मतलब समझा तरु ना हमनी के दोनों भाई सस्पेंड हो जात सब राजेंद्र पुलिस हमार बाबू कैसन बाड़न डॉक्टर साहब देखिए उनके सर पे गहरी चोट लगी है अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है डॉक्टर साहब हम बयान लेवल चाहता नहीं अभी वो बेहोश हैं, होश में आने के बाद ही आप उनका बयान ले सकते हैं एक्सक्यूज मी रहुआ के बानी हम उनकर भौजाई बानी इनकरा का चोट कैसे लागल इंस्पेक्टर साहब इमे हमार गलती बा हम अपने देवर देवरानी से बात करत रहनी और तभी जितेंद्र आके मारपीट शुरू कर देलन हम उनकरा के बड़ी मना कहनी लेकिन वो मानते ना रहे फिर हम अपना हाथ से उनका के धक्का दे देली गिर गईला फिर उनका सिर फट गईल बेहोश हो गईलन हमार बाबू हम हमार गलती बा हम दोषी बनी ठीक बा पर जब तक जितेंद्र के बयान नहीं के हो जात रोवाई जे रही भाभी ए जी कहाँ जाता नहीं है नहीं आई जरा आई चली जॉन भाईल बहुत अच्छा भाईल अब तक सारा टेंशन दूर हो गई बड़की भौजी सारा दोष अपने सर पर ले लेनी सही कह लुआ छोटकी धर्मात्मा बने के शौक बा तो बने धर्मात्मा अब हमनी के दुख के काटा खुद ब खुद दूर हो गई अच्छा तो तब होई जब ई जितेंद्र मर जाई और ई बड़की भौजी ना जिंदगी भर के लिए जेल चल जाई है
और इजे जाके ना चक्की बिसिए। ए छुटकी एकदम सही कहा तारू, अब सारा धन दौलत जमीन जायदाद हमने के हो जाए। जी रोवा के का हो गई, कहाँ खो गई नी? कहाँ? चुप, बेराब औरत। यप, का कराल वाली भैया ठीक कैलहन, ये काम हमरो बहुत पहले करे के चाहत रहे। राजेंद्र सुरेंद्र इतलो का करत बड़ा जा मत्र का भौज, ये दिनों वही के काबिल भाली सन, पूरे घर के तबाह कर देलिस भाभी। चुप रहा तू, औरत पे दोष लगाओ तो बड़ी आसान बा, कहे की खाली औरत ये के दोष ना होला, पुरुष भी बराबर के दोषी होला। जब ये लोग अनाप सनाप बोलत रहे तो तोड़ो के दिमाग कहाँ गई रहे, घास चरे खाती का अच्छा बा का बुरा बा, ये सब तोड़ो के ना समझ में आई। डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ गया। जितेंद्र रुके, पहले बयान हुई ओकरा बात के हुआ उसे मुलाकात हुई। हम इलाका के थाना इंचार्ज बनी, हमरा के खबर मिलल है कि तोहरा साथे मारपीट भइल, बिना डरे खुल के बतावा हमरा के ये मरलस तो है के और ये माथा में चोट कैसे लागल। आपसे के कहल कि हमरे साथ मारपीट भइल बा, हमरे साथ कोनो मारपीट नहीं भइल, वो हम छत पे चढ़त रहे और सीढ़ी पर से पैर फिसल गई, हम सर के बल गिर गए, ओकरे बाद बेहोश हो गए, हमके याद नहीं के ओकरे बाद का भइल। तू सच बोल रहल बाड़ा कि केहू के दबाव में आकर झूठा और गलत बयान दे रहल बाड़ा? हम एकदम सही कहा था ने, हमरे साथ कोनो मारपीट नहीं के भइल। ठीक बा, बयान हो गई, उनकर कहना बा कि उस सीढ़ी से गिर गई रहन और कोनो मारपीट ना भइल। तू तो कहत रहलू कुल तोहरा वजह से भइल बा। इंस्पेक्टर साहब, भौजी जौन बाड़ी जितेंद्र के कोनो काम से बाहर भेजले रहनी है ना भौजी, यह बात बा ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक बा, हमार जांच पूरा भइल, अब आप लोग उनकरा से मिल सकत आनी। चल बाबू, हमार बाबू जितेंद्र हमार भाई, हम भटक गेल रहनी है लेकिन तू हमारा आँख खोल देला भाई, माफ करते हमरा के, माफ करते भाई। हाँ देवर जी, हमके माफ कर दी। अरे भाभी का कर धरो भैया, तने लोग से हमके कोनो शिकायत नहीं के, हुँ।
जज साहब, हमार छोट भाई जितेंद्र सही तर्क दे रहल बाड़न। जब पुस्तैनी जायदाद के बंटवारा हो सकेला तो नौकरी करके इकट्ठा कैल जायदाद में बंटवारा काहे ना हो सकेला। लेकिन हमरे यहां कानून में ऐसा कुछ नहीं के। जज साहब, हम आपसे विनती कैल चाहब कि सरकार के आप आदेश दी कि ऐसा कोनो कानून बने रहल बात। जज साहब केस के तो हम केस वापस लेता नहीं। जज साहब, हमनी के घर के बंटवारा ना होई, हमनी के साथे रहल जाए सगरो भाई मिलके, जैसन बड़का भैया के सपना रहे। गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार घर तोड़ने की नहीं, घर जोड़ने की बात कर रहा है। और इस केस के माध्यम से जितेंद्र ने जिस समस्या की ओर ध्यान अवगत कराया है, सच में परिवारों की वो एक विकराल समस्या है। घर के बंटवारे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। ये सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं है, हर घर की समस्या है, हर गांव की समस्या है। बंटवारे के झगड़े को लेकर हर घर में झगड़ा बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं, यहां तक कि हत्याएं भी हो रही हैं। जितेंद्र ने जो बात कोर्ट के सामने रखी, अदालत उससे सहमत है और इस बात से भी सहमत है कि सरकार को कानून में संशोधन करके नया कानून बनाना चाहिए। पारिवारिक झगड़े के मामले को लेकर हम सरकार को चिट्ठी लिखेंगे इस मुद्दे को लेकर, और इतनी गंभीर समस्या की तरफ अदालत का ध्यान आकर्षित करने के लिए अदालत जितेंद्र की आभारी है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। माफ कर दी और आज के बाद रुआ जवन चाहत रहनी है अब वह ये घर में हुई। भैया, ये जमीन के पेपरवा दिवाली के पटाखा के संग जला दी का जितेंद्र? काहे ना, बुराई और नफरत के साथ ही यह होए के चाहिए। हम रउआ लोग ऐसे कुछ कहे अलबानी कहे? हमार बाऊजी बदला दुनिया के समझ ना पहले, लेकिन आज ही देश में क्या पूरा दुनिया में ही साबित हो गया बा कि लड़का लड़की में कवनो अंतर नहीं है। अरे जितना पैसा लड़का के पढ़ावे में लगा था, उतना ही पैसा मेहनत लड़कियों के पढ़ावे में लगा था। तैसन कहे बा कि जब लड़की के शादी हुई तो लड़की वाला के दहेज देवे के पड़ी और लड़का वाला के ना देवे के पड़ी, ई कैसन प्रथा बा? अरे हम तो कहा तानी कि कुप्रथा बा, आज हम ही कुप्रथा के विरोध करतानी। हमके माफ कर दे, ये रिश्ता मत तोड़े। हमरा दिमाग में पुराना जमाना के रीत रिवाज के कादो कीचड़ भरल रहे, जेके हमार बेटा हटा देलस।
इस शादी के मना ना करी होके दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। चितू चला, हमने भी शादी कर ली। अरे ऐसे कैसे शादी करवो, तैयारी खातिर थोड़ा वक्त भी तो चाहिए। वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणानांत्वा गणपति गुम हवामहे, निधिनांत्वा निधिपति गुम हवामहे, प्रियानांत्वा। अपनी बुद्धि अप्लाई करी। अच्छा हाँ, तो अभी टाइम लगी ना। जी हम कोर्ट मैरिज के बात करे तनी। अच्छा सब पता करके बैठल बड़। सही बात। तो कर लिया जा।